रायबरेली शहर के श्री राधा कृष्ण मंदिर छोटी बाजार रायबरेली में नित्य लीला लीन बाबा हनुमान सिंह जी की पावन स्मृति में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात 28 अप्रैल को तुलादान के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न लोगों ने भंडारे का प्रसाद प्राप्त किया। इस सेवन के लिए वरुण वाचक के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। देवी संपद मंडल आश्रम रायबरेली के अध्यक्ष पद पर मैं सेवा कर रहा हूँ। विगत कई वर्षों से निरंतर नित्य लीलालीन बाबा हनुमान सिंह की पावन स्मृति में 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक श्री राम कथा सप्ताह एवं 28 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो इस समय चल रहा है। आज 28 अप्रैल है, भंडारे का कार्यक्रम शुभारंभ होने वाला है। 2 बजे का समय रखा गया था, संतों का आगमन हो चुका है और ये कार्यक्रम देवी संपद मंडल आश्रम राधा कृष्ण मंदिर के तत्वाधान में प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। आज के समय में अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करने के पश्चात भी जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दवाओं से हमें लाभ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने परंपरा के रूप से यहाँ पर तुलादान की महिमा का वर्णन किया है कि तुलादान करने से जो अनेक प्रकार की बीमारियों से व्यथित व्यक्ति है, जिसे दवाओं से भी लाभ नहीं हो रहा है, वो तुलादान का मात्र होता है, उसको राहत मिलती है और जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियों से जिन्हें हम असंभव मानते हैं उनसे भी जीवात्मा को छुटकारा मिलता है। इसीलिए ये तुलादान का महत्व रखा गया है। हमारे यहाँ गोपाष्टमी के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और तब से अनेक भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस आकर के तुलादान किया है और ये तुलादान की सारी राशि और उसमें जो अन्न आता है अथवा चूनी चोकर या भूसा की व्यवस्था होती है, वो सीधे गौशाला राधा कृष्ण गौशाला भेज दी जाती है। ये कार्यक्रम इसी निमित्त से आगे